हेलो गाइस, वेलकम बैक। सुनील ऑटोकार। सो आज आप सभी के सामने पेश है अपने सेगमेंट की भाई सब बेहतरीन से फीचर लोडेड माइक्रो एसयूवी कार, हमारी ऑल न्यू ह्युंडई एक्सटायर। और अभी आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ह्युंडई एक्सटायर के टॉप मॉडल को, एसएक्स ऑप्शनल कनेक्ट डुअल टोन ऑटोमेटिक वेरियंट को। तो आज इसी को भाई सब प्रॉपर डिटेल में कवर करेंगे। तो अगर आप भी अपनी प्राइस 6 लाख से लेकर 11 लाख के बीच में लेकर चले तो आप जा सकते हैं इस कार के साथ। लुक्स भी यहाँ पे आपको उसमें बड़े से मिलने वाले हैं। बाकी खाकी कलर में आपको देख रहे हैं, थोड़ा यूनिक आपको ये डिफरेंट कलर देखने को मिल जाएगा इस कार के साथ। एंड इस गाड़ी की भाई साहब खासियत ये रहेगी ना, इस माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है टाटा पंच का, लेकिन टाटा पंच से आपको उसमें कुछ फीचर्स यहाँ पे एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएंगे इस कार के साथ। इंजन स्पैक वही यहाँ पे रहने वाला है, 1.2 लीटर का बड़ा 4 सिलेंडर कापा पेट्रोल इंजन ऑप्शन, जिसमें आपको पेट्रोल एंड सीएनजी दोनों ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। वेरियंट्स यहाँ पे इसका बेस रहता है ईएक्स, एस, एसएक्स, एसएक्स ऑप्शनल एंड एसएक्स ऑप्शनल कनेक्ट इसका टॉप मॉडल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आइए आप सबसे पहले चलते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की तरफ, देखते हैं क्या आपको दिया गया, फिर चलेंगे कार के इंटीरियर में। तो लुक्स यहाँ पे देखेंगे भाई साहब काफ़ी बड़े से रहने वाले इस कार के। ये रहेगी यहाँ पे इसकी स्मार्ट की, जिसमें आप पे देखेंगे लॉक अनलॉक बूट अनलॉक का बटन, पीछे रहेगा हुंडई का लोगो। फ्रंट बोनट की तरफ यहाँ पर रहेगा शर्टन फिनिश में हुंडई का लोगो। एक्स्टर की काफ़ी बड़ी सी यहाँ पर रहती बैजिंग। साइड में एच शेप में इसके डीआरएल, डे टाइम रनिंग लाइट्स, इसी में इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट, ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर, हेडलैम्प्स का सेटअप, पीले वाले प्रोजेक्टर्स आपको यहाँ पे इसमें देखने को मिलते हैं। लोअर ग्रिल वगैरह भाई साहब पूरी ब्लैक कलर की बड़ी सी यहाँ पे रहेगी स्किड प्लेट। नीचे प्रॉपर इंजन गार्ड वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगा। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 185 मिलीमीटर के समथिंग आपको मिलता है इस कार के साथ इसका ग्राउंड क्लियरेंस। यहाँ पे इसका डुअल वाइपर एंड वॉशर की प्लेसमेंट। इसके बाद ऊपर यहाँ पे रूफ में देखेंगे तो भाई साहब पूरा रैप किया गया डुअल टोन यहाँ पे वेरिएंट है ना, तो ब्लैक कलर की रूफ रहती है, जैसे कि हुंडई अपनी सभी गाड़ियों में कवर कर देती है ब्लैक कलर। बाकी साइड प्रोफाइल से कुछ इस तरह देखने को मिलती है ये हमारी कार। वारंटी की बात कर ली जाए अगर इस कार की, तो आपको उसमें भी 3 साल 1 लाख किलोमीटर के हैं, 1 लाख किलोमीटर के यहाँ पे इसकी वारंटी देखने को मिल जाएगी। जिसको चाहें तो आगे भी फर्दर आप 5 साल के लिए एक्सटेंड करा सकते हैं। तो साइड प्रोफाइल भी अभी आपको प्रॉपर दिखाएंगे, उससे पहले भाई साहब देखिए इसके यहाँ पे एलॉयज। तो इस टॉप मॉडल में आपको 15 इंचेस के इसके एलॉयज यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे एंड टाटा पंच में भाई साहब मिलते 16 इंचेस के, ये यहाँ पे डिफरेंस मिलेगा। बाकी आगे डिस्क ब्रेक्स यहाँ पे रहते हैं हुंडई का लोगो। टायर प्रोफाइल यहाँ पे देखेंगे तो 175/65 के रहते हैं यहाँ पे इसके रेडियल के टायर्स। इतना कुछ ट्रैवल रहेगा बॉडी एंड सस्पेंशन के बीच में। ब्लैक कलर की यहाँ पे क्लाइडिंग, वही क्लाइडिंग नीचे भी। एंड इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देख रहे हैं तो यहाँ पे भैया स्मार्ट ऑटो की आपको बैजिंग मिल जाती है। ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में इसके आउटसाइड मिरर्स, ऑटो फोल्डेबल फीचर्स के साथ बढ़िया सा, जब भी लॉक अनलॉक करेंगे तो फोल्ड एंड फोल्ड हो जाएंगे। इसी में इंडिकेटर्स की यहाँ पे प्लेसमेंट। ए पिलर भी पूरा भाई साहब ब्लैक कलर का आपको दिया गया है। खोलते हैं हैंडल, अंदर का डैशबोर्ड दिखा दे, ऑल ब्लैक भाई साहब, टच स्क्रीन, यहाँ पर ट्रैक्शन वाले कंट्रोल्स, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एंड ये भाई साहब इसका डैश कैमरा। इसी के साथ साथ रूफ में देखेंगे सनरूफ भाई साहब, सारे फीचर्स। 6 एयरबैग्स भी रहे यहाँ पर रहेंगे स्टैंडर्ड, तो भी आपको बैठ के प्रॉपर दिखाएंगे डिटेल में। और बी पिलर वगैरह पे देखेंगे मैट ब्लैक फिनिश में, ऊपर यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में इसके रूफ रेल्स। बाकी ये रहेगी इस गाड़ी की प्रॉपर यहाँ पे साइड प्रोफाइल। डायमेंशन वाइज बात की जाए तो इस गाड़ी की यहाँ पे सिर्फ हाइट ज़्यादा रहती है, लेंथ एंड विथ में थोड़ी भाई साहब टाटापन से रहेगी ये कम। तो इसमें आपको मिलेगी 3815 मिलीमीटर की इसके यहाँ पे लेंथ, 1710 mm की यहाँ पे इसकी विथ एंड 1631 mm की इस कार के यहाँ पे हाइट देखने को मिल जाती है। तो हाइट यहाँ पे भाई साहब 16 मिलीमीटर की आपको ज़्यादा मिलेगी टाटापन से। तो साइड आपने देख ली ना, पीछे यहाँ पे ड्रम ब्रेक्स, आगे रहते हैं डिस्क ब्रेक्स। तो एलॉयज का एक आपको अंतर मिलता है, इसमें मिलेंगे 15 इंचेस, उसमें मिलते हैं 16 इंचेस के। बाकी डोर हैंडल यहाँ पर रहेंगे सेम बॉडी कलर, लास्ट वाले पिलर पे थोड़ी ग्लॉसी ब्लैक फिनिश। साइड से देखेंगे तो इस तरह आपको देखने को मिल जाती है ये हमारी कार। बाकी भाई साहब लुक्स वाइज फ्रंट से भाई साहब ज़्यादा सही सी लग रही है, रियर से थोड़ा सा 19 लगती है देखने में। आइए पास से दिखाते क्या कुछ यहाँ पर रहेगा। सबसे पहले देखेंगे ग्लॉसी ब्लैक फिनिश वाली पूरी स्टिप, यहाँ पे हुंडई का लोगो, जस्ट उसके नीचे यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरे की प्लेसमेंट। ऊपर आएंगे इसका रियर वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प एंड यहाँ पे बड़ा सा स्पॉयलर आपको मिल जाता है पूरा ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में, जो यहाँ पे रूफ रेल से पूरा कनेक्टेड आपको दिखेगा। यहाँ पे शाफेन एंटीना, 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलेंगे तो उसको यहाँ पे वैसा मेंशन किया गया है। बैक लाइट्स वगैरह आपको एलईडी यहाँ पे दी जा रही है, ये भी रहेंगी एच शेप में। यहीं पर इंडिकेटर, रिवर्स लाइट वगैरह दोनों चीज़ें। 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे मिलते हैं इसके बम्पर में। बाकी रिफ्लेक्टर्स वगैरह, बड़ी सी स्किड प्लेट यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगी। नीचे टोइंग का ऑप्शन, इधर रहेगा इसका ये एग्जॉस्ट पाइप। रियर सस्पेंशन सेटअप यहाँ पे इसका देख सकते हैं। आइए अब खोलते इसके बूट गेट को। तो यहाँ पे भाई साहब आपको इसमें टाटा पंच से ज़्यादा बूट स्पेस मिलेगा, इसमें मिलता है 391 लीटर का बूट स्पेस। पूरा अपने पे सामान वगैरह रख दीजिए। इधर जाएंगे तो यहाँ पे होगा इसके बूट लाइट वगैरह, इस साइड यहाँ पे हुक वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो भाई साहब टाटा पंच में 366 लीटर का बूट स्पेस रहता है, इसमें मिलता है 391 लीटर का। यहाँ पे इसका स्टेपनी वाला टायर, नॉर्मल साइज स्टीलिंग 14 इंचेस का यहाँ पे दिया गया है। चारों रहेंगे 15 इंचेस के अलॉयस। यहाँ पे जैक टुलपाना सारी चीज़ें रखी हुई दिख जाएंगी। सीएनजी वेरिएंट्स में अगर आप इसके जाएंगे तो भाई साहब टैंक लगा होगा, तब हो जाएगा पे बूट स्पेस इसका कम।
तो पेट्रोलियम में जाहिर सी बात है पूरा खाली रहेगा तो आपको ज़्यादा मिलेगा स्पेस। चलिए इसको यहाँ पर कर देते बंद। इसके बाद जब आते हैं साइड में, यहाँ पे देखेंगे पीछे की तरफ इसका रहेगा फ्यूल कैप फिलर, यहाँ से आप इसमें डलवाएंगे पेट्रोल। 37 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिल जाती है। बाकी सीएनजी वेरिएंट्स में जाएंगे तो यहाँ पे सीएनजी वाला भी नाजुल आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब आइए चलते हैं इसके सेकंड वाले रूप पे बैठ के देखते हैं इसका कैसा कुछ रहेगा स्पेस वगैरह। डोर खोलेंगे भाई साहब पूरी ब्लैक कलर की यहाँ पे दी गई है, ऊपर इसका डोर ओपनर, नीचे देखते हैं पावर विंडो का कंट्रोल, बॉटल होल्डर, स्पीकर्स की प्लेसमेंट, ये रहेंगी इसकी सारी फैब्रिक की सीट्स, ऐसा कुछ यहाँ पे लेआउट रहता है। आगे का डैशबोर्ड देख लीजिए भाई साहब, टच स्क्रीन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एंड ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे डैश कैमरा, ये रहेगी यहाँ पे इसकी सनरूफ, सारे फीचर्स हैं भाई साहब। रूफ लाइट आपको मिलेगी यहाँ पे पीली वाली। नीचे आएंगे तो यहाँ पे रियर पैसेंजर के लिए एसी वेंट्स, ये आपको टाटा पंच में नहीं मिलते हैं। यहाँ पर रहेगा 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट। स्पेस की बात करें तो लेग रूम नी रूम यहाँ पे देख सकते हैं, एकदम बड़ा सा बैठ जाएंगे, एकदम कंफर्टेबल होके। ग्रैब हैंडल हुक भी यहीं पे रहेगा, पीछे की इसकी पार्सल ट्रे, ये हो गए भाई साहब इसके दोनों ही एडजस्टेबल यहाँ पे हेडरेस्ट। सीट बेल्ट्स के पॉइंट्स आपको यहाँ पे तीन देखने को मिल जाते हैं, तीनों बंदे लोग आराम से लगा के यहाँ पे बैठेंगे। तो आइए अभी चलते आगे फ्रंट की वाली ड्राइवर साइड की तरफ चलते हैं, वहाँ से पूरा प्रॉपर कवर करते हैं इस कार को। तो रियर सीट का आपने पूरा लेआउट वगैरह देख लिया, कलर ऑप्शन आप इसका देख लेते हैं। खाकी कलर, खाकी हो गया, वाइट हो गया, रेड, ब्लू, ग्रे, से काफ़ी सारे ऑप्शन आपको इसमें मिल जाएंगे। ड्राइवर साइड वाला ये रहा हैंडल, इसमें रखे सेंसर, इसे अपनी गाड़ी को बड़े से लॉक अनलॉक कर लीजिए। डोर ट्रिम पूरी ब्लैक कलर की, डोर ओपनर यहाँ पे आपको मिलता है। नीचे रहेंगे चारों पावर विंडोज के कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक के बटन, सही से आप इनको फोल्ड एंड फोल्ड भी कर सकते हैं अपने आउटसाइड मिरर्स को। स्पीकर्स, बॉटल होल्डर की यहाँ पे रहेगी प्लेसमेंट, ये डैशबोर्ड का व्यू, सीट्स वगैरह सारी यहाँ पे फैब्रिक की। हाइट एडजस्टमेंट सीट रिक्लाइन दोनों ही आपको इसमें ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। नीचे जाएंगे तो इसका फ्यूल लीड ओपनर, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है तो उसके यहाँ पर रहेंगे पैडल, साइड में डेट पैडल, ब्लू कलर के यहाँ पे लाइटिंग भी रहने वाली है मेन लाइटिंग। आगे का बोनट खोलने का लीवर, यहाँ पे आपको मिलेगा इसका पुश इंजन स्टार्ट ऑफ बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल वाला स्विच, व्यू का बटन, एंड ये हेडलाइट एडजस्टर वाले यहाँ पे स्विचेस। तो आइए बैठते हैं गाड़ी के अंदर, फिर देखते हैं इसका प्रॉपर डैशबोर्ड। तो गाइस अभी देखेंगे यहाँ पे आज हम लोग कार के अंदर सबसे पहला काम भाई साहब ऑन करेंगे इसका इग्निशन। तो साइड में यहाँ पे रहता है इसका पुश इंजन स्टार्ट ऑफ बटन, ये मैंने प्रेस किया तो पूरा डिजिटल आपको मिलेगा इसका क्लस्टर, बट भाई साहब ऑन नहीं हो रहा। उसका रीजन पता है क्या, अभी देखिए चेक लाइट आ गई, मतलब कोई इग्निशन यहाँ पे ऑन है, बट यहाँ पे इसका भाई साहब क्लस्टर का तो भाई साहब ऑन नहीं हो रहा था, फ्यूज निकला था। अभी हम लोग आगे हुंडई क्रेटा में, क्योंकि इसमें भी आपको कुछ सिमिलरिटी देखने को मिलता है इसका ये वाला पूरा क्लस्टर। तो उसमें क्या होगा, कलर थोड़ा चेंज रहेगा, बाकी इन्फॉर्मेशन ट्रिप एवरेज माइलेज रेंज ऑडियो सारी मिल जाएगी। इसके साथ साथ टीपीएमएस वाले फीचर्स यहाँ पे भाई साहब एडास आता तो वो चीज दिखा रहा है, इसको इग्नोर करिएगा। एक आपको इंटरफेस इसके पता चल गया होगा कि किस तरह का रहेगा उसमें डिजिटल क्लस्टर। देन स्टीयरिंग व्हील की तरफ आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे हुंडई का लोगो, इधर जाते हैं एमआईडी के कंट्रोल्स एंड क्रूज कंट्रोल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। लेफ्ट साइड में यहाँ पे टेलीफोनिक इंफोटेनमेंट के रहेंगे सारे कंट्रोल्स, बड़े सा पर लेदर आपको स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है इसके टॉप मॉडल का। एडजस्टमेंट ये रहने वाली यहाँ पे टिल्ट एडजस्टेबल, यहाँ पे इसकी स्टीयरिंग ये हो गई भाई साहब यहाँ पे फिक्स। इधर जाएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स, यहाँ पे जाएंगे तो वाइपर्स के कंट्रोल्स, और भाई साहब इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देख रहे ना तो यहाँ पे आपको उसमें पैडल शिफ्टर्स भी देखने को मिल जाएंगे। अब आते हैं भाई साहब इसके डैशबोर्ड की तरफ, ये रहेगा इसका पूरा ब्लैकआउट यहाँ पे व्यू इसके डैशबोर्ड का। सबसे पहले ऊपर देखते हैं यहाँ पे 8 इंचेस वाली इसकी टच स्क्रीन, तो यही चीज आपने देखा होगा हुंडई ऑरा नियोस वगैरह में सिमिलर मिलता है, तो पूरा डैशबोर्ड आपको उसी तरह मिल रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ चेंज किया ये वेन्यू वाला आपको डिजिटल क्लस्टर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। 8 इंचेस की यहाँ पे रहती है इसकी टच स्क्रीन, ये यहाँ पे देखेंगे इसकी काफी सारी एप्लीकेशंस, मैप, नेविगेशन, फोन वगैरह, ये काफी सारी चीजें, और ब्लू लिंक भाई साहब इसमें ना आपको टॉप मॉडल में ब्लू लिंक भी मिलता है ना, तो यहाँ पे भी देखेंगे उसका आपको बटन दिया गया है, तो फोन से ही अपने काफी सारे फीचर्स ऑपरेट कर सकते हैं यानी कि कनेक्ट करके। एंड रिवर्स पार्किंग कैमरे की बात कर लें तो भी जरा आपको लगा के दिखाते हैं, यहाँ पे ये रहेगा इसका रिवर्स पार्किंग कैमरे का व्यू। तो यहाँ पे ना एवरेज से आपको इसकी क्वालिटी मिल जाएगी, मतलब आप बढ़िया से अपनी गाड़ी को पार्क वगैरह कर पाएंगे, मीडियम इसकी क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी, ना ही ज़्यादा अच्छा है ना ही भाई ज़्यादा बुरा है। तो चलिए इसको यहाँ पे कर देते हैं अभी भाई साहब नॉर्मल। यहाँ पे देखेंगे इसके काफ़ी सारे कंट्रोल्स हो जाते हैं वॉल्यूम वगैरह ऑन ऑफ करने वाले। नीचे आएंगे हेजर लाइट का स्विच, ब्लैक कलर के इसके एसी वेंट्स, ये भाई साहब इसका फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, इसमें आपको मिलेगा इसका डिस्प्ले वगैरह, बाकी फ्लो वगैरह सारी चीज़ें यहाँ से आप इसमें चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर वगैरह यहाँ से सेट कर सकते हैं। नीचे बढ़िया से यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग वाला पैड भी आपको मिलता है, फोन वगैरह रख के बड़े से चार्ज कर लीजिए। 12 वोल्ट का यहाँ पर रहेगा चार्जिंग आउटलेट, ये भाई साहब निकाल देंगे तो ये आपको पैड यहाँ पे हो जाएगा ऑफ, बाकी टाइप ए टाइप सी दोनों यहाँ पे रहेंगे यूएसबी के पोर्ट्स। ये हो गया इसका यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जिसमें रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव, ये हो गया बढ़िया से इसके मोड्स।
दो ग्लास होल्डर्स यहाँ पे आपको दी जा रही है स्मार्ट की, मैंने आपको इसकी दिखाई दी, ये रहने वाली यहाँ पे बेहतरीन सी, जहाँ पे लॉक अनलॉक बटन लॉक के बटन रहते हैं, मैनुअल हैंड ब्रेक, इधर की डोर ट्रिम, एयरबैग्स भाई सब सब आपको इसमें बेसिक मॉडल से 6 मिल जाते हैं, तो एक वहाँ पे होगा, दूसरा यहाँ पे, बाकी देखेंगे तो पिलर्स पे ब्रांडिंग एंड दो रहेंगे फ्रंट वाली सीट्स पे। यहाँ पे मैनुअली एडजस्टेबल इसका या VM ब्लू लिंक रोड साइड असिस्टेंट SOS वाले यहाँ पे काफी सारे कंट्रोल्स एंड भाई साहब टॉप मॉडल में आपको इसका डैश कैमरा भी देखने को मिल जाता है। तो ये सेफ्टी पर्पज से काफी अच्छी चीज आपको यहाँ पे ऑफर की जाती है इस Hyundai Accent में, जो आपको टाटा पंच में देखने को नहीं मिलेगी। अंदर का भी रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड फ्रंट का भी कर सकते हैं, दोनों अपने यूज के हिसाब से। बाकी अगर टाटा पंच से कंपेयर करें तो उसमें आपको 5 स्टार की बेहतरीन सी बिल्ड क्वालिटी मिलती है, यानी कि सेफ्टी रेटिंग इसमें जाएंगे तो आपको उससे फीचर्स मिलते ज्यादा, जैसे कि डैश कैमरा हो गया, इसी के साथ रियर एसी वेंट्स, एलईडी बैकलाइट, 6 एयरबैग्स एंड दूसरी तरफ अगर आप टाटा पंच में जाते हैं तो वहाँ पे आपको 16 इंच के ग्लास मिलते हैं, इसमें मिलेंगे 15 इंच के एंड उसमें आपको फॉग लैंप्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे प्लस बिल्ड क्वालिटी। तो आपको प्रेफरेंस देना भाई साहब, आप बिल्ड क्वालिटी को देंगे या फीचर्स को देंगे, उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में कौन सी गाड़ी परचेज करनी है। ये भाई सब रहा है, देख लीजिए छोटा मोटा स्पेस रहता है, बाकी ग्लव बॉक्स फोल्ड आपको दिया जाएगा जहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं। ऊपर का तो भाई साहब छोड़े दे रहे थे ना, ये देख लीजिए लाइट वही आपको पीली वाली मिलती है, सनरूफ के कंट्रोल। अब भाई साहब इसको खोलेंगे इसलिए नहीं, और इसको भाई साहब खोल के इसलिए आपको नहीं दिखाएंगे, देख रहे हैं ना ऊपर रैप है पूरा, अगर खोलेंगे ये भाई साहब फट जाएगा, मे बी कि यहाँ पे स्क्रेचेस आ जाए, वरना कस्टमर की ना भाई साहब कोई दिक्कत हो सकती है, इसलिए भी खोल के नहीं दिखाएंगे। रेगुलर साइज आपको यहाँ पे इसके सनरूफ का देखने को मिल जाएगा। माइक वगैरह यहाँ पर रहने वाले सनवाइजर में आपको देखने को मिलता है, टिकट होल्डर इस साइड जाएंगे तो आपको वेंटीमीटर देखने को मिल जाएगा। तो यही था हमारा ऑल न्यू Hyundai Accent के टॉप मॉडल, यानी कि SX ऑप्शनल कनेक्ट के अंदर का पूरा डैशबोर्ड वगैरह जो आपने देख लिया। अभी निकलेंगे गाड़ी के बाहर, फिर बात करते हैं फाइनली इसके इंजन स्पेक, प्राइसिंग एंड फीचर्स के बारे में। चलिए ऑफ करते हैं इग्निशन को, और इसके बाद अब आइए आपको दिखाते हैं भाई साहब इसका इंजन स्पेक वगैरह। यहाँ से खोलेंगे इसके बोनेट को। इंजन स्पेक भाई आपको सिर्फ एक ही मिलता है इसमें, 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर कपर पेट्रोल इंजन ऑप्शन, जिसमें आपको 82 BHP की पावर, 114 Nm का टॉक मिल जाएगा, समथिंग हुई 19 से 20 Kmpl का माइलेज इस कार के साथ। इस तरह पूरे इंजन की यहाँ पे प्लेसमेंट मिलेगी। 4 सिलेंडर भाई साहब आपको यहाँ पे मिला है ना, ये देखिए। बाकी पंच में जाते तो आपको 3 ही सिलेंडर का मिलता है, ये यहाँ पे रहेगा इसका प्लस पॉइंट। इस तरह बड़े से इसके पूरे इंजन की यहाँ पे प्लेसमेंट। ऊपर नजर डालेंगे तो भाई साहब कोई भी इंसुलेशन वगैरह नहीं है, हालांकि इसका इंजन वैसे भाई साहब रिफाइंड रहता है, लेकिन दे देते तो और भी अच्छा हो जाता पूरा देखने में। सीएनजी वेंट्स में जाते तो आपको पावर फिगर थोड़ी कम मिलेगी, उसमें आपको 68 BHP की पावर, 95 Nm का टॉक मिलता है, समथिंग 27 का माइलेज इस कार के साथ। और अब फाइनली बात करें अगर इसकी प्राइसिंग के बारे में, जो आप इसका देख रहे हैं SX ऑप्शनल कनेक्ट ऑटोमेटिक पड़ने वाला है 10,15,000 एक्सरूम एंड 11,93,000 जाएगा ऑन रोड लखनऊ। यहीं पर अगर आप इसके मैनुअल में जाएंगे तो आपको पड़ेगा 9,57,000 एक्सरूम, 10,98,000 जाएगा ऑन रोड लखनऊ। सेफ्टी फीचर्स में आपको इस कार में ABS विद EBD, 6 एयरबैग्स, रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, स्पीड अलर्ट सिस्टम, सीट बेल्ट वार्निंग, ट्रैक्शन, TPMS, ESP जैसे यहाँ पे काफी सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं इस माइक्रो SUV कार के साथ। तो यही था आज का हमारा वीडियो इस कार पे। अगर आज का हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।